नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज़ टीवी। आई रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। आपको बता दें, सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित कर गरीबों को किया गया सम्मानित। आमस प्रखंड आमस हाई स्कूल के मैदान में CRPF 47 बटालियन के द्वारा गरीब व असहाय लोगों के बीच जरूरत का सामान वितरण किया। वो इस प्रकार है, बैडमिंटन, प्रेशर कुकर, वॉलीबॉल आदि सामान का वितरण किया। CRPF 47 बटालियन के CO जय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग प्रत्येक जिला में गरीब व असहाय लोगों के बीच इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं, ताकि ग्रामीण और जवानों के बीच आपसी भाईचारा बना रहे। इस मौके पर CRPF के कमांडेंट उदय प्रताप सिंह के साथ CRPF की भारी संख्या में जवान मौजूद थे। गया जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। आज का यह कार्यक्रम 47 बटालियन की ओर से आयोजित किया गया था। CAP के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और जिसमें हमारी कंपनी ने इस आमस क्षेत्र में लोगों को खेल सामग्री एवं खाना बनाने के लिए कुकर वितरित किया है। इस तरह कार्यक्रम का आयोजन हम लोग हर कंपनी लोकेशंस में करते हैं, और आज विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने औरंगाबाद और गया के क्षेत्रों में तरी, मदनपुर, अन्य जगहों पर CAP कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामानों का वितरण किया था। आज इस कार्यक्रम में जो आमस के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है CAP का, इसमें हम लोगों ने स्पोर्ट्स से संबंधित सामग्री जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन रैकेट्स, शटल पार्क, कुकर, प्रेशर कुकर इत्यादि चीज़ों का वितरण किया है। यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यहाँ के लोगों को संदेश, हम लोग जो निडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको सामान बांटते हैं, और फोर्स के साथ और जनता का एक अच्छा संबंध मेंटेन रहें, जिससे राष्ट्रद्रोही ताकतें जो है उनको समाप्त करने में हम लोगों की अहम भूमिका है।